उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक योजना की शुभारंभ कर रहे थे। खुद वह राशन की दुकान पर पहुंचकर गरीबों को होली तक मुफ्त योजना बांट रहे थे। ये अनाज बांटना है, माफ कीजिएगा, होली तक गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट रहे थे। योगी आदित्यनाथ बेहद खुश थे, कह रहे थे कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, तभी तो यह संभव हो पाया कि महामारी के दौर में कोई भूखे नहीं सो पाए। लेकिन हद है साहब, सरकार की योजना है, सरकार के पैसे हैं, आम लोगों के टैक्स के पैसे और गरीबों में बांटे जा रहे हैं, तो भाजपा और योगी सरकार के प्रचार की क्या जरूरत थी? नमक के पैकेट हो या तेल का पैकेट, अनाज की बोरी हो या पैकेट, सब जगह योगी सरकार का विज्ञापन छपा था। यह जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी की सरकार है या केंद्र में जो मोदी की सरकार है, लोगों को राहत पहुंचाने के नाम पर प्रचार प्रसार खूब करती है। पिछली सरकार को कोसते हुए योगी आदित्यनाथ यह बताते हैं कि लैपटॉप में अखिलेश का फोटो हुआ करता था, साहब आप लोगों के निवाला पर अपनी फोटो छपवाते हैं, यह बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की लड़ाई चल रही है, एक तरफ भाजपा बदलाव की बात कर रही है तो दूसरे तरफ सपा बदलाव की बात कर रही है। भाजपा जहां भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्य मुद्दे से बदलाव की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा से ही बदलाव करना है। अब दोनों के मुद्दे अलग है, दोनों की विचारधारा भी अलग है, लेकिन साहब जिस विचारधारा की बात आप करते हैं, गरीबों के हिमायती बनने का दावा करते हैं, प्रधानमंत्री तो योगी आदित्यनाथ से दो कदम और आगे निकल जाते हैं जब वो कहते हैं कि मैं गरीब हूं और गरीबों का बेटा हूं, तो भाई योगी आदित्यनाथ पीछे क्यों रहे? योगी जी पहुंच गए राशन की दुकान पे और कतार में खड़ी लोगों से, महिलाओं से, कतार में खड़ी महिलाओं के पास पहुंचकर उन्हें राशन देने लगे। किलो के पैकेट में जितना अनाज नहीं उससे ज्यादा प्रचार छपा हुआ था, क्योंकि 2022 में चुनाव आना है, चुनाव के वक्त अगर लोगों के घर में मुफ्त में राशन के नाम पर योगी जी और भाजपा की तस्वीर घर घर नहीं पहुंचे, तो फिर भाजपा का मिशन यूपी पूरा कैसे होगा? साहब गरीबों के निवाले पर अपने चुनाव और अपने वोट की चिंता मत करिए। गरीबों को केंद्र सरकार से राहत मिल रही है, वो केंद्र सरकार की मेहरबानी नहीं है, यह उनके एहसानों पर नहीं है, यह लोगों के खून पसीने से सींचे हुए पैसे हैं जो टैक्स के रूप में सरकार तक पहुंचती है। और यही पैसे सरकार जब बांटती है तो अपनी बाहें फैलाकर खूब वाहवाही लुटवाती है कि हमने मुफ्त में दिया। साहब मुफ्त में तो आप पसीना भी ना दें, किसानों का आंदोलन याद है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग आज योगी आदित्यनाथ की इस योजना की तारीफ कर रहे हैं, वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि साहब नमक की पोटली पर और तेल के पैकेट पे अपनी फोटो क्यों छपवा रखी है? क्योंकि आप तो अक्सर सत्ता के सुर में यह कहा करते थे कि पिछली सरकार के लोग तो अपने लिए साइकिल और समाजवाद का नारा तक गढ़ लिए थे। उसके पहले भी आपने कहा कि कुछ लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मूर्तियां बनवा डाली। साहब वो लोग मूर्ति बना रहे थे, आप तो घर के अंदर पहुंच रहे हैं। कहीं सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति और स्टैचू लग गया तो आपको बड़ा खराब लगता था, लेकिन आपने क्या किया, नमक तेल की पैकेट पे खुद के तस्वीर छपवा कर विज्ञापन करवा रहे हैं। 2022 तक घरों घरों में पहुंचना है, लिहाजा तैयारी आपने पहले ही कर दी। योजना का नाम आपने भले ही रखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून योजना, लेकिन इस योजना का फायदा गरीबों से ज्यादा भाजपा और योगी सरकार को हो रही है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहां काम होगा सिर्फ यहां, ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।